जहां पर एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस और बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता नहीं मानते हैं कानून। बीजेपी सांसद से मारपीट के मामले पर दरअसल राजभर भी ये बोले, सरकार के इशारे से सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी सिर्फ छोटी पार्टियों के सहारे है। ओपी राजभर लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर राजभर का रुख नरम रह रहा है। हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर से खास बातचीत की। हमारे संग सुहेल देव भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश जी, पहले तो इंडिया न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। भागीदारी संकल्प मोर्चा, आप कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी उसमें है, और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी प्रयागराज में एक सभा की, उसमें 100 सीटों पर लड़ने की दावेदारी की है, उन्होंने क्या कहना चाहिए? सही कहा है उन्होंने कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितने घटक दल हैं सभी लोग, अगस्त में बैठक हुई, ये तय हुआ कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रम अपनी अपनी पार्टी का चलाया जाए और अक्टूबर में ज्वाइन कार्यक्रम हो। तो हलधरपुर मऊ में 27 अक्टूबर को ज्वाइन कार्यक्रम रखा गया है, और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीटों का बंटवारा नहीं है। हर नेता अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रयास कर रहा है कि हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, तैयारी अपना कर रहे हैं, अब उनको जितनी सीट मिलेगी वो लड़ेंगे। उन्होंने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी पढ़ी, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अतीक जी जेल में है, अगर उनकी बात को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए उन्होंने पढ़ा है तो उनके हिसाब से तो बेहतर है। बनारस में एक जनप्रतिनिधि हैं जो कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, 4.5 साल की जो उपलब्धि सरकार की है उसकी जो है उन्होंने गिनती बताई कि 4,500 करोड़ रुपया उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सेंटर है नागपुर, नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं मैंने देखा कि 4.5 साल कार्यकाल की चिट्ठी लखनऊ से थमाई गई कि जाओ सब लोग अपने अपने जिले में चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी पढ़ने के बाद जब आप लोगों की तरफ से सवाल किए गए तो मंत्री दहिने बाएं झांकते हुए उठ के भाग खड़े हुए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, लाइन ऑर्डर पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और मैं तो देखा है अखबार में, आपके जो बात आप बता रहे हैं मैंने अखबार में देखा है और सोशल मीडिया पे कि कई लोगों ने सवाल किया कि ये पैसा कहाँ लगा है, कौन सी सड़क बनी है, जरा इसको बताने की कृपा करें मंत्री जी, तो उसका उत्तर तो अभी तक नहीं आया है। संजय निषाद, आपका दावा था कि आपके साथ आएंगे, वो आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी में चले, एनडीए के घटक दल के रूप में चले गए और एनडीए का जो पार्ट बन के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा प्रयास था, क्योंकि मैं धोखा खा करके सीख चुका हूं बीजेपी से, इस नाते मेरा प्रयास था कि आप धोखा खाने वहां मत जाइए कि भाजपा से, और भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, इस नैया पर जिसको मारना हो वो जाके सवार हो। ओम प्रकाश राजभर, हमको अभी जिंदा रहना है, इनकी नैया पर हम जाने वाले नहीं हैं, आप देख लीजिएगा। हम बहुत दो टूक बात आपको बता रहे हैं, चाहे जितना कोई कयास लगा ले, भारतीय जनता पार्टी को हमने अंदर से पढ़ लिया। ये ओम प्रकाश राजभर थे, भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और अपनी सरकार बनाएगा, और तमाम जो भी प्रश्न थे उसका बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।